हेलो दोस्तों, एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सदिशों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर हम पहली देखेंगे। इसमें कुल 7 एक्सरसाइज हैं, तो 7 वीडियो आपको मिलने वाली हैं। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले, कि जहाँ भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन, मतलब कि जिनमें लग रहा है कि एक तरह का लॉजिक लग रहा है, एक जैसे टाइप के सवाल हैं, तो उन सवालों को मैं आपको आपके लिए छोड़ दूंगा। और इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं, वो सभी आपके कवर किए जाएंगे। यदि और भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीडीएफ का, या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। आपको वहां से भी क्वेश्चनों के फोटो मिल जाएंगे, जिनसे आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यदि इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, तो वो आपके मैंने छुड़वा दिए हैं, क्योंकि इसमें ही आपके कवर हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ टाइप्स के अनुसार क्वेश्चन नोट किए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरह सॉल्व करने हैं। और उसमें भी मैंने जो आपके सन में आए हुए हैं, 2000 में आए हैं और 2015 में। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ, ठीक है। यदि ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तथा बी वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, तो ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए डॉट बी हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसी तरह आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी आई के कोफिशेंट की आई के कोफिशेंट के साथ, यानी 1 गुणा 1, और फिर क्या करेंगे हम, आई डॉट आई, ठीक है। आई डॉट आई आपका 1 होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने और वीडियो नहीं देखी है इससे पहले वाली, तो उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट की पूरी पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले वे वीडियो आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उनमें मैंने आपको फॉर्मूले भी बताए हैं, ठीक है। इसके बाद प्लस जे का कोफिशेंट और जे का कोफिशेंट 1 माइनस 1, यानी कि इनकी गुणा होगी 1 गुणा -1, ठीक है। जे इंटू जे, जे इंटू जे, ठीक है। अब देखिए, इसको आप समझ लीजिए कि इसका गुणांक 1 है, क्योंकि जे जे के साथ किसकी गुणा हो रही है, 1 की। यदि किसी की नहीं हो रही, तो 1 की जरूर हो रही है, ठीक है। इसी तरह के साथ 1 की गुणा है -1 की, तो इसी तरह -1 गुणा के की क्या है, 1। अब के कैप इंटू के कैप, ठीक है। इसके बाद आई डॉट आई 1 होता है, 1 की 1 के साथ 1 प्लस। अब मैं आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के इस तरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिख दूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए किस तरह सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 1 की गुणा 1 के साथ, -1 के साथ, तो -1, ठीक है। कोष्टक लगा दिया, क्योंकि इसे कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद देखिए, -1 की 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1। अब देखिए, 1 माइनस 1 और प्लस हटा के माइनस आ जाएगा, इससे ये कट गया। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, -1। तो ये आपका उत्तर आ गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सदिशों 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप तथा 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब मैं इस पूरे को a मान लेता हूँ और इसको बी, ठीक है। अदिश गुणनफल का मतलब डॉट डॉट करना है, तो मैं दो सदिशों का, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है। तो पहले को हम इसी तरह 3i कैप प्लस 4j कैप -7k कैप, और बी को लिख लेता हूं मैं 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। 3 की गुणा 5 के साथ 15, 4 की गुणा 3 के साथ 12, और 7 की गुणा -7 की गुणा 4 के साथ तो 28। 12 और 15 मिला करके कितने हो गए, 27 माइनस 28, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा उत्तर, -1, ओके, ठीक है। ये हुआ आपका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ भी देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहा है, लैंग्वेज अलग है, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन करवाए हैं आपको, ठीक है। टाइप एक ही टाइप है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करवा दिए हैं। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, आई के आई वाले के साथ, 3 की गुणा 1 के साथ 3,
और आपको जो करना है पैटर्न थोड़ा इस तरह से रखना है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से आप सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कम समय है जिससे आप अधिक समझ सकते हैं, ठीक है, कम समय में। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, इसलिए आप समझते रहिए। इसके बाद देखिए जे वाले के जे के साथ, ये जे वाला है, ठीक है, 2 गुणा 2 4 प्लस 3 की गुणा 1 के साथ 3, 4 और 3 7 और 3 10, 10 आपका उत्तर आ जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, यदि सदिश x इजिकल टू आई प्लस जे माइनस के तथा b इजिकल टू 7i-5k है तो a डॉट b बटे a का मापांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम a डॉट b निकाल लेते हैं, यानी कि ये x नहीं है, ये a है, ठीक है। a डॉट b निकाल लेते हैं i की, i के साथ 7 एकम 7, j है ही नहीं तो 0 लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी होना चाहिए, जब भी मल्टीप्लीकेशन हो सकती है मतलब गुणा हो सकती है, के की के के साथ, -1 की -5 के साथ, तो आ जाएगा 5 7 और 5 12, ठीक है। ए डॉट भी हमारा आ गया। इसके बाद ए का मापांक हम निकाल लेते हैं। ए का मापांक कैसे निकलेगा, ए के गुणांक आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, चलिए 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 3, ठीक है। इसके बाद हम 12/√3 आपका उत्तर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब हैं। तो लंब की कंडीशन आपको बता देता हूं मैं, वैसे आपको मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं, यदि आपने वो देखे होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, ए डॉट बी 0 होगा, तो वही करते हैं, लंब की कंडीशन हमें देखनी है इसमें क्या अप्लाई हो रही है, तो ए डॉट बी करते हैं हम, ठीक है। आपका वही तरीका होगा जो मैंने आपको बताया लिखने का, उससे क्या होगा आपके अच्छे नंबर आएंगे, वरना टीचर ये सोचेगा कि आपने किसी और के में से नोट करके तो नहीं लिख दिए, और कुछ नंबर कम मिल सकते हैं बस, इसलिए आप बिल्कुल तरीके से करना। 4 दूनी 8, 1 की 4 के साथ 4, 3 की 4 के साथ 4 3 12, 8 और 4 12 और -12 0 आ गया, ठीक है। तो परस्पर लंब है, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 सदिश परस्पर लंब हैं। तो परस्पर लंब है, 3 सदिश दे रखे हैं, 1 2 3, या तो एक्स वाई जेड मान लीजिए इनको, या फिर ए बी सी, सन 2000 में आया है, और भी आने के चांस हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या करूंगा, ये 3 सदिश परस्पर लंब हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ए डॉट बी को चेक करूंगा, ये भी 0 आना चाहिए, फिर बी डॉट सी को चेक करूंगा, ये भी 0 आना चाहिए, फिर सी डॉट ए को, तो आपका क्या आना चाहिए, 0, जब ये आपका लंब होगा। तो ए डॉट बी को मैं चेक करूंगा, बी डॉट सी आप चेक करेंगे, और सी डॉट ए, तो देखते हैं, ए डॉट बी, आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप, फिर b को लेते हैं, i कैप प्लस j कैप माइनस 3 k कैप, i कैप i वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 2 की गुणा इसके साथ 2 एकम 2, इसकी इसके साथ -3, तो ये आपका 0 आ गया है। अब इसके बाद b डॉट c भी आप बताएंगे क्या आ रहा है 0 या नहीं, और c डॉट a भी आप बताएंगे कमेंट में जरूर मुझे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको दे रखा है 7th का एक क्वेश्चन था, ये 2 सदिश दे रखे हैं, 2001 और 2013 में क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में मत लेना, एक एक क्वेश्चन आपके काम आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसको क्या मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, सदिश ए, इसको बी, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, वही ए डॉट बी चेक करना है, ए डॉट बी बराबर 0, लंब वत की कंडीशन जो होती है, एक दूसरे के ऊपर लंब की जो कंडीशन होती है वह लगा देनी है। तो हम करते हैं, चलिए सॉल्व, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। इसके बाद 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k
कैप। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, 3 की 4 के साथ 12 और 4 की -4 के साथ 16, तो बिल्कुल 12 और 4 16 और -16 0 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जब भी लंबवत की कंडीशन होगी तो आपका थीटा कितने अंश का होगा? 19 अंश का। ठीक है, तो इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटे ए का मापांक मल्टीप्लाई बी का मापांक, ये भी आपका फॉर्मूला है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका ये भी एक तरीका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि सदिश, दो सदिश दे रखे हैं, परस्पर लंब है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं इनको सबसे पहले ए और बी मान लेता हूँ, ठीक है, ए और बी मान लेता हूँ, और एक्स का मान निकालना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। ए डॉट बी बराबर 0, ये हमने लगा देना है। तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है, i कैप माइनस 4j कैप प्लस x k कैप इजिकल टू 0, 2 की 1 के साथ 2, और ये j का जो गुणांक है 1 है, यहाँ j का -4 तो -4, और k का 1, यहाँ x है तो x आ जाएगा, इसके बाद इक्वल टू में 0 है ही। अब देखिए 4 में से 2 घटा दिया तो -2 प्लस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 2 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये थे क्वेश्चन 8 तक। अब देखिए 9th जो क्वेश्चन है इसको समझिए। इस तरह का क्वेश्चन आपका आया तो 5 नंबर में बिल्कुल आने के पूरे चांस हैं। सिद्ध कीजिए कि ए सदिश दे रखा है, बी सदिश दे रखा है तथा सी एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जबकि एबीसी त्रिभुज की भुजाओं के सदिश हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक तो ए का कोफिशियंट यानी कि मापांक, बी का मापांक, सी का मापांक, ये तीनों निकाल देने हैं। वो आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैं ए के मापांक को निकाल के बताता हूँ, ठीक है, एक के गुणांक का वर्ग मतलब आई के गुणांक का वर्ग 3, 3 9, जे के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग करेंगे -2 का तो 2 2 4, प्लस के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग 1, 9 1 10 और 4 14, √14। इसी तरह बी का आ जाएगा, इसी तरह सी का, ठीक है। फिर इसके बाद आपको पता है क्या करना, दो भुजाओं के वर्ग का योग, तो दो भुजाएं आ जाएंगी, इनका वर्ग करेंगे आप, ठीक है, दो भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो ये आपको यहाँ पर लगा देना है बहुत आसानी से, ये आपका हो जाएगा सॉल्व। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर देंगे इसको, ठीक है, कम समय है इसलिए आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, और सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपको मैंने समझा दिया किस तरह होना है। बी मापांक भी आप इससे निकाल लेंगे, सी के मापांक भी इससे निकाल लेंगे, इस वाले से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब समझिए इस वाले क्वेश्चन को, 10वां क्वेश्चन लिया है मैंने, बहुत ही डिफरेंट है सभी क्वेश्चनों से जो आपने इससे पहले समझे हैं। यदि सदिश ए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप तथा बी 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप है, तो कोस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, जहां थीटा दोनों सदिशों के बीच का कोण है। तो यहां फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, कोस थीटा बराबर ए का मापांक बी का ए डॉट बी बटे ए का मापांक गुणा बी का मापांक। तो ये फॉर्मूला आप यहां लगाएंगे, ए डॉट बी आप निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी आप सीधा आई के गुणांक 2 × 6 = 12, जे के गुणांक 3 × 6, के गुणांक -1 × 3 तो -3, बटे ए के मापांक, ए का मापांक 2 × 4 + 4 − + 1, इसी तरह बी का मापांक 36 + 9 + 9, ठीक है। और ये मैंने क्या कर दिया, एक फॉर्मूले में ही मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोस थीटा इजिकल टू 12 में से 9 घटाए तो आपका 3 बचा, इसके बाद यहाँ 4 और 4 8 = 9 √9, और यहाँ कितना हो गया 36 और 9 = 45 और 9 = 54। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको 3 लिख लीजिए और 9 को हम लिख सकते हैं 3 √54, 3 से 3 कैंसिल, और कोस थीटा बराबर 1/√54 और थीटा बराबर कोस इनवर्स 1/√54, आपका सही उत्तर आ गया, ठीक है। ओके,
इसमें कोई भी दिक्कत आई हो तो बताना कमेंट करके।